नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथियान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना। इससे पहले मैंने आपको वर्ग निकालने की एक विधि बताई थी, आज मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने की विधि। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसको अंडरूट भी बोलते हैं, और इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक से दस तक की संख्या का एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगी इसके लिए। तो एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ, चार का वर्ग होता है सोलह, पाँच का वर्ग होता है पच्चीस, छः का वर्ग होता है छत्तीस, सात का वर्ग होता है उनचास, आठ का वर्ग होता है चौंसठ, नौ का वर्ग होता है इक्यासी, और दस का वर्ग होता है हंड्रेड, सौ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे दो का वर्ग कर रहे हैं तो भी चार आ रहा है लास्ट में, और आठ का वर्ग कर रहे हैं तो भी चार आ रहा है। दो का वर्ग करते हैं और आठ का करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, चार। तो दो का वर्ग करेंगे और चार का करेंगे तो लास्ट में क्या जाएगा, दो का करेंगे और आठ का करेंगे तो लास्ट में क्या जाएगा, चार। और तीन का करते हैं और सात का करते हैं वर्ग, तीन का किया और सात का किया तो लास्ट में क्या आ रहा है, नौ। और चार का करते हैं और छः का करते हैं तो भी लास्ट में क्या आ रहा है, छः। और पाँच का करते हैं अकेले का तो लास्ट में पाँच ही आते हैं। और एक का करते हैं और नौ का करते हैं, एक का और नौ का करते हैं तो लास्ट में आता है एक। और दस का किया है वर्ग तो इसमें दो जीरो आ गई, तो हमें अगर एक जीरो है, एक जीरो है तो हमें दो जीरो मिलेगी। वर्ग करेंगे दो जीरो होगी तो चार जीरो मिलेगी, इस प्रकार हमें मिलती है। तो वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल इवन नंबर ऑफ जीरो रहेगी तभी उसका वर्गमूल संभव है। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है 784, अब 784 का वर्गमूल करना है, 784। तो इसको 784 को लिखते हैं, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, पीछे से दो के जोड़े बन गए। अब यहाँ चार आ रहा है, चार कब आता है, किस किस का वर्ग करते हैं जब चार आता है, दो का करते हैं और आठ का करते हैं तो चार आता है। तो हमें या तो दो होगा संख्या वर्गमूल करने के बाद लास्ट वाली, या आठ होगी। अब इसका तो काम हो गया, अब ये सात देखते हैं, सात है तो सात किन किन के वर्ग के बीच में आता है, जैसे दो का वर्ग करते हैं तो चार आता है, दो का वर्ग करते हैं तो चार आता है, और तीन का करते हैं तो नौ, तो चार और नौ के बीच में आता है सात। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, दो आएगा, छोटी संख्या लेते हैं, यहाँ दो आ गया, यहाँ भी दो लग गया। अब इसे हमें पता करना है कि कौन सी संख्या सही रहेगी, तो उसको देखने के लिए ये सात है, ये सात चार के ज़्यादा नज़दीक है या नौ के, तो ये नौ के ज़्यादा नज़दीक है, ये सात है नौ के ज़्यादा नज़दीक है तो हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 28। 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 28। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2209, 2209 का वर्गमूल करना है तो 2209 लिखते हैं। अब पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, पीछे से दो दो के, पीछे से दो के जोड़े बनाते हैं, यहाँ जो बच जाएगा वो रहने देंगे। अब 9 कब आता है, 9 आता है तीन का वर्ग करते हैं और सात का वर्ग करते हैं, तो तीन लिख दिया और सात लिख दिया, तीन और सात लिख दिया। अब ये 22 है, 22 किन किन के वर्ग में के बीच में आता है, 22 आता है, यहाँ देख लेते हैं, 22
16 और 25, चार के वर्ग के और पांच के वर्ग के बीच में आता है, तो हम छोटी संख्या लेते हैं, क्या लेंगे, चार, या चार लगा दिया। अब हमें 22 देखना है, 22 किसके नज़दीक है, 25 के नज़दीक है, 16 के, तो 25 के नज़दीक है ये, तो 25 के नज़दीक है मतलब बड़ी वाली संख्या, पांच बड़ी है चार छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, 25 के नज़दीक है तो बड़ी संख्या, तो इस प्रकार इसका वर्गमूल क्या आ जाता है, 47। अब और देता हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल, और जैसे मैंने लिखा है 4096, अब 4096 का वर्गमूल निकालना है, तो 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से दो के जोड़े बनाते हैं और बाकी जो बच गए इधर वो। अब 6 कब आता है, 4 का वर्ग करते हैं जब भी 6 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं जब भी 6 आता है। अब 40 कब आता है, 40 जब आता है जब 5 का वर्ग करते हैं और 6 के वर्ग के बीच में, 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आता है 40, किसके वर्ग में, 6 के में और 7 के में, तो यहाँ लगाते हैं तो 6, क्योंकि छोटी संख्या 6 है, छोटी लेते हैं हर बार। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, अब इनमें से सिलेक्ट करनी है कौन सी होगी, तो उसके लिए हम देखेंगे 40 है वो किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है या 36 के, तो वो 36 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है, 36 के, तो 36 के नज़दीक है तो ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, तो इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 64। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको बताना है 961, 961 का वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।